आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों से किया वर्चुअल संवाद। कोरोना और साफ सफाई व्यवस्था पर की चर्चा। कहा, अपनी अहमियत पहचाने, ग्राम प्रधान बनाए कोरोना मुक्त गाँव। राज्यपाल भी रही मौजूद। सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कोषागार विभाग द्वारा पेंशन के नाम पर नहीं मांगा जा रहा है कोई अकाउंट नंबर, ओटीपी तथा डिटेल अज्ञात नंबर से आने वाले कॉल से रहे सावधान। मुख्य कोषाधिकारी ने पेंशनरों को किया आगाह। कहा, अज्ञात नंबर के कॉल से रहे सावधान। आरटीसी 26वीं वाहिनी पीएससी 2021 बैच के रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत परेड एवं शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। 169 आरक्षियों ने लिया देश के संविधान व कर्तव्य निष्ठा की शपथ। पुलिस अधीक्षक पीटीएस ने आरक्षियों के उज्जवल भविष्य की कामना। चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टी को किया निरस्त। पूरे दिन जल निकासी के काम में लगी रही नगर निगम की टीम। नगर आयुक्त लगातार करते रहे निरीक्षण। कहा, पंपिंग सेट लगाकर कराई जा रही है जल निकासी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत पुलिस लाइन में आयोजित हुआ 2021 बैच की 87 रिक्रूट महिला आरक्षियों का पासिंग आउट परेड। एसएसपी ने दिलाई पद एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ। मिली नई तैनाती। एसएसपी ने कहा, पुलिस को करना पड़ता है कड़ी चुनौतियों का सामना। सूझबूझ के साथ करें अपने दायित्व का निर्वहन। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 81 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 5 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 58,735। अब तक 660 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 2,141 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पोस्टिंग। 30 मई को मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर भाजपाइयों ने किया 3 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन। कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर किया रक्तदान। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, कोविड मरीजों के इलाज में सहायक होगा रक्तदान। गड्डीबाजी कर जालसाजी करने वाले 2 अभियुक्तों को रामगढ़ थाना की पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरामद किए 3400 रुपए नकद और पारदर्शी डिब्बे में कागज की गड्डी भेजा जेल। राष्ट्रवंदन समिति के तत्वाधान में चलाया जा रहे कम्युनिटी किचन का महापौर ने किया निरीक्षण। कार्यों की सराहना। जनपद के जिला अस्पताल सहित 85 केंद्रों पर 8,175 नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन। 45 साल के ऊपर के 2,105 और 18 साल के ऊपर के 6,070 लोगों ने लगवाया टीका। सीएमओ ने कहा, पर्याप्त मात्रा में है वैक्सीन, ज्यादा से ज्यादा कराए वैक्सीनेशन। और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शासन के द्वारा लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू का सड़कों पर दिखा असर। पसरा रहा सन्नाटा। एडीएम सिटी ने कहा, आंशिक कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों पर दर्ज किया जा रहा है मुकदमा। घर में रहें, सुरक्षित रहें।